चलिए आज हम लगाते हैं VLCC का चारकोल पील ऑफ मास्क, जिससे आपको आएगा फेस में एकदम ही चमकता हुआ निखार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता दी, बस थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए। आप लोग तो मानते होंगे ना, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों रहते हैं। तो स्टीम करने से सबसे पहले आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे, जिससे आपके फेस का जो भी डलने से दाग धब्बे हैं वो पूरा आपकी स्किन से हट जाएगा। स्टीम करने से आपकी स्किन पर एक शानदार सा ग्लो आता है, जिससे आपके चेहरे का रंग सुधर जाता है और चमक आती है। स्टीम करने से आपकी स्किन की गंदगी निकल जाती है, डस्ट, इम्प्योरिटी, पोल्यूशन, जो भी आपके स्किन में पोर्स के अंदर रहता है वो रिमूव हो जाए और आपकी स्किन हो जाती है एकदम फ्रेश। स्टीम करने से आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चर प्रोवाइड होता है, जो कि आपकी स्किन के ड्राइनेस को रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं हम इसके यूज़ करने के डिसएडवांटेज, मतलब के नुकसान के बारे में। देखो, अगर आप लोग स्किन पर बहुत ज़्यादा हैवी स्टीम यूज़ करोगे, मतलब बहुत ही एकदम खोलता हुआ, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला यूज़ करोगे, तो ये आपकी स्किन के लिए हार्श हो सकता है। मतलब आपकी स्किन पर जलन या इरिटेशन हो सकती है। ज़्यादा स्टीम करने से स्किन की जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे आपकी स्किन पर ड्राइनेस और आपकी स्किन खींचने लगती है। तो आपको बहुत ही ना ऐसा खींचा खींचा सा स्किन पर फील हो सकता है। और हो सकता है कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको हाइपरपिगमेंटेशन हो, या जो लोग प्रेग्नेंट हो, तो उन लोगों को स्टीम से बिल्कुल ही दूर रहना है, नहीं तो आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए आपके स्किन पर, आपकी बॉडी पर बहुत सारे नुकसान दिख सकते हैं। ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है। ज़्यादातर मतलब जो लोग ज़्यादा स्टीम करते हैं उनके बहुत ज़्यादा पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं, जिससे आपका स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो देखिए, स्टीम करा है मैंने मैक्सिमम 2 मिनट और मैंने बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पर स्टीम को रखा था। ऑल्सो आप लोगों के पास अगर प्रोफेशनल रेंज का स्टीमर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है हम इसे प्रोडक्ट यूज़ करने से मतलब होना चाहिए। आप लोग घर में अच्छा पानी गर्म करिए, सर के ऊपर से एक कोई सा भी कपड़ा रख लीजिए और सर को अपने मतलब जो भी नॉर्मल तरीके से रहता है वहाँ से आप जो भी स्टीम निकलेगा आपके बाउल में से, उससे भी आप स्टीम ले सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट का जिसका मैं आज आप लोग को रिव्यू देने वाली हूँ ना, ये आप लोग को ईजिली फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर कहीं भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन या फिर VLCC.in आप डालोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग पहुँच जाएंगे। तो इन दोनों साइट से ही लेना, अदरवाइज़ किसी भी साइट से मत लेना, आप लोग को वहाँ पर फेक प्रोडक्ट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के, VLCC का चारकोल पील ऑफ मास्क। देखो, आप लोगों ने पील ऑफ मास्क बहुत सारे यूज़ करे होंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क बताया था, जो कि ऑरेंज पील ऑफ मास्क था। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है ना, देखो, जब मैंने वो गोल्डन पील ऑफ मास्क लगाया था एवर यूथ का, तो मेरा स्किन ना जलने लग गया था। बट जब मैंने ये चारकोल पील ऑफ मास्क लगाया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे स्किन पर इतना अच्छा कूलिंग सेंसेशन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फेस पर ना बर्फ़ को घिस रही हूँ, इतना अच्छा मुझे इसमें फील हो रहा था। आपका स्किन अगर सेंसिटिव है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने स्टीम किया है वो स्टीम मत करना, नहीं तो आप लोग का स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बिल्कुल इस तरीके से फेस वॉश कर लेना कोई भी जेंटल क्लेंजर से, या जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो स्क्रब नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो ये जो प्रोडक्ट काम करने वाला है ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली ये आपकी स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पर ग्लो देगा। तो अगर आप लोग स्क्रब करते हैं तो आज के दिन स्क्रब मत करना, इसका जो नेचुरल ग्लो है वो देखना। और MRP है इसका अराउंड आप लोगों को 300 से कम में ही मिल जाएगा। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो आज इस पर ऑफ़र चल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है 267 रुपीज़ का। अमेज़ॉन से लेंगे तो बाय वन गेट वन ऑफ़र चल रहा है, 441 में आप लोग को दोनों प्रोडक्ट्स ही मिल जाएंगे। अदरवाइज़ और अच्छा फ़ायदा उठाना है तो जाइए और जो मैंने आप लोग को बताया है VLCC.com, वहाँ पे जाकर इसको ऑर्डर कर लीजिए। चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके जो बेसिक रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा VLCC का चारकोल पील ऑफ मास्क, ये आपकी स्किन से डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को उस तरीके से निकाल देगा जिस तरीके से एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पे चिपकता है। ये आपकी स्किन के इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, आपकी स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है, आपकी स्किन को क्लैरिफाई करता है और आपकी स्किन को एक बहुत ही ग्लोसा कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। ये आपकी स्किन में से ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को रिमूव करता है, जो भी आपकी स्किन पर, आपकी स्किन के सरफेस पर जो भी टेक्सचर एक जम गया होगा, जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से जमा होगा, उसको ये क्लीन करेगा। ये आइडियल है आपके कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, मतलब ऑयली टू कॉम्बिनेशन के लिए। वैसे ये सब यूज़ कर सकते हैं, हाँ, यूज़ करने के तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये आपके स्किन को मैट टेक्सचर देता है, प्लस
आपकी स्किन में से ये ऑयल को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन करने का तरीका यही है, आप लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, जब तक कि आपका स्किन खींचने ना लग जाए और आपको ये फील ना होने लग जाए कि मेरा स्किन अब बिल्कुल टाइट हो चुका है। रिमूव करने का यही तरीका है, देखो भाई जिस तरीके से मैं रिमूव कर रही हूँ, अप्लाई करने का भी बिल्कुल वही तरीका है। अब हम ये दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि है पिल क्रीम का, पिल क्रीम वाइट लोटस रिफ्रेशिंग फेस मिस्ट, जो कि स्किन केयर का प्रोडक्ट है और ये आपके स्किन पर डिज़ाइंड है स्पेशली आपकी स्किन को फ्रेश एंड हाइड्रेट रखने के लिए, जो आपकी स्किन पर एसेंस का काम करेगा वाइट लोटस। ये फॉर्मुलेटेड है इंस्टेंट हाइड्रेशन के लिए, आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग देगा, क्विकली आपके स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है। थ्रू आउट अ डे आप इसको यूज़ कर सकते हो, जब भी आपको टाइर्डनेस फेस पर फील हो तब आप इसको यूज़ करिए और एक बहुत ही अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा फील पाइए। इसमें है बहुत ही सूदिंग सा टेक्सचर जो आपके स्किन पर एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, मतलब ये एनवायरमेंटल जो भी स्ट्रेसर्स रहते हैं उससे आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। आप इसको मेकअप के पहले भी लगा सकते हो, मेकअप के बाद दोनों टाइम पे आप इसको लगा सकते हो। ये आपको ड्यूई फिनिश देता है और आपकी स्किन पर अच्छा सा रिफ्रेश सा परफेक्ट ग्लो देता है, प्लस आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है और आपकी स्किन को बूस्ट करता है। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने फेस को स्टीम करा है, उसके बाद पील ऑफ मास्क मैंने लगाया है जिससे मेरे स्किन का नेचुरल जो भी मॉइस्चर है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट में हम यहाँ पर एक अच्छा सा हेल्दी सा सूदिंग सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे जो मेरी स्किन पर जो भी गया हुआ लॉस्ट इलास्टिसिटी प्लस मेरे स्किन का मॉइस्चर है वो वापस आ जाए, मेरी स्किन पर जो भी है इसमें मॉइस्चर अच्छी तरीके से प्रोवाइड करे, स्किन को सॉफ्ट करे, मेरी स्किन का ड्राइनेस ख़त्म हो जाए ताकि मुझे सा स्ट्रेच सा फील ना हो, स्किन पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो दे। और एक लास्ट फिनिश के लिए हमको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि आपकी स्किन पर अभी तक आपने प्रोडक्ट लगाया है उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट।